दुकान दिखा दो जी। श्री स्वीट एंड आइसक्रीम, देसी घी की मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं, और हम हैं घंटा घर चौक के पास। दिखाइए, घंटा घर चौक है बल्लभगढ़ का, और यहीं पर ये मिठाई की दुकान है जिस पर देसी घी की जलेबियाँ मिलती हैं। इसके अलावा पनीर की जलेबियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। तो भैया यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। हाँ, देसी घी की टिक्की, देसी घी की टिक्की भी है यहाँ पर। देसी घी का हर सामान है, हर आइटम है। देसी घी के लिए मशहूर हैं आप तो फिर तो। हाँ, देसी घी का ही लड्डू बना रहे हैं, कभी जलेबी बना रहे हैं, कभी लड्डू भी अवेलेबल है, सारी चीजें। दिखाओ थोड़ा सा, ये क्या आइटम है भाई? देसी घी, देसी घी की है, अपना टिक्की है। देसी घी की टिक्की भी है, देख रहे हैं, देसी घी की टिक्की भी है आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग लोकेशन पूछ रहे हैं, बल्लभगढ़ घंटा घर चौक पर। ये जी श्री स्वीट एंड आइसक्रीम की दुकान है जिस पर देसी घी की जलेबियाँ भी मिल रही हैं, पनीर की जलेबियाँ भी मिल रही हैं। ये देखिए पनीर की जलेबी, ये अभी हमने टेस्ट भी किया तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये देखिए, ये देसी घी की जलेबी है, ये भी काफ़ी फेमस है, और रबड़ी के साथ लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बल्लभगढ़ घंटा घर चौक के पास बगल में पुलिस चौकी भी है, तो बहुत क्राउड वाला एरिया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश होता है, शाम को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जब खा पी के लोग निकलते हैं वॉक करने के लिए, तो जलेबी रबड़ी के साथ खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देसी घी की जलेबियाँ उपलब्ध हैं, रबड़ी के साथ आप खा सकते हैं। इसके अलावा पनीर की जलेबियाँ भी उपलब्ध हैं जिसे आप खा सकते हैं। भाई साहब देखिए कितना बढ़िया फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, फ्राई हो रही है देसी घी की जलेबियाँ। अब महेंद्र जी से बातचीत करेंगे। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कब से तल रहे हैं जलेबियाँ? बस एक महीना हो, एक महीने में परमात्मा की कृपा। क्या रेट है जलेबियों? कुल 200 रुपए किलो। सिर्फ 200 रुपए? पनीर वाली 300 और ये 200। पनीर की जलेबी 300? तो 300 में तो पनीर भी है, क्या हुआ? और पनीर भी अपना ही बना के हम लगा रहे हैं। अपना पनीर, अपना घी है, अपना घी, अपनी जलेबी, अपना हलवा, और जो टिक्की है देसी घी में ये तली जा रही है। अच्छा, और देसी घी लगाते हैं हम, किसी कंपनी का नहीं लगा रहे, अपना खुद का लगा रहे हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बताया है बल्लभगढ़ घंटा घर के पास इनकी दुकान है जहाँ पर देसी घी की जलेबी है। क्या भैया, क्या कह रहे थे, ये कौन है? ये जोश वाले हैं भैया। आप नाश्ता लगाते हो? नाश्ता करते हैं। अच्छा, नाश्ता करते हैं जी, जी। कैसा लगता है आपको? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत अच्छी। कैसी बताओ, मजाक नहीं? मजाक नहीं, कहीं ऐसा ना हो उन्होंने बोला भैया बढ़िया बढ़िया बोलो। बहुत अच्छी बनती है। रोज खाते हो? रोज खाते हैं हम। सच में? सच में। क्या नाम है? विवेक नाम है। चला के देखूंगा आपको। कितने बजे खाते हैं? अरे हमें जब मन कर जाए तभी खा लेते हैं, वैसे तो मन हमेशा खाते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी। ये सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी जलेबियाँ हैं और ये रोज खाते हैं, नाश्ता करते हैं जलेबियों का रबड़ी के साथ। और भी मिठाइयाँ भी हैं यहाँ पर देसी घी वाली, तो मिठाइयाँ जिनको देसी घी में पसंद आती हैं यहाँ पर आते हैं और खाते हैं। इसके अलावा देसी घी में टिक्की वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो फास्ट फूड भी है, टिक्की भी है यहाँ पर, देसी घी की जलेबी है, मिठाइयाँ भी हैं, हर तरह के आइटम यहाँ पर हैं। तो आप जब मर्जी करें कुछ मीठा खाने का, आप यहां पर आइए और जलेबी खाइए रबड़ी के साथ। चाहे तो आप देसी घी वाली जलेबियां खाइए, चाहे तो पनीर वाली जलेबियां खाइए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।